सदगुरु अगर कृपाल हो जाए तो यमराज भी सामने खड़ा हो तो शिष्य बड़े सीना तान के कह देगा कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है। पर गुरु शब्द की महिमा इस शब्द में बड़ा वजन है, इस शब्द में बड़ी शक्ति है। तो गुरु से और भगवान से कभी दिखावा नहीं, कभी झूठ छल कपट नहीं, जैसे हो वैसे व्यक्त कर दो। फिर इलाज करेगा गुरु, फिर सही रास्ता बताएगा गुरु, फिर बताएगा कि आपको किस मार्ग पर किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर आजकल तो हमने गुरु शब्द की महिमा को भी बड़ा हल्के में ले रखा, सस्ते में ले रखा है। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों ने गाई, ये तो गुरुओं की धरती है, ये गुरुओं की भूमि है। तो यहां गुरु शब्द को समझने के लिए हृदय में भाव चाहिए। और सबसे बड़ा आनंद कब आता है जानते हैं? एक होता है जब आप गुरु को चुने, और एक आनंद तब होता है जब गुरु आपको चुन लेता है, जब गुरु आपको स्वीकार कर लेता है। मुझे आज भी याद है मेरे जो गुरुदेव दीक्षा गुरु हैं, 4 साल की स्मृति किसी को मुझे नहीं लगता ज़्यादा रहती है 4 साल के बच्चे को, पर शायद गुरु कृपा ही होगी कि वो स्मृति आज तक मुझे याद है। 4 साल की अवस्था में जब उन्होंने कान में मंत्र दिया और कहा 16 माला जपनी है रोज़। पहला दिन था, एक मंत्र इतना बड़ा लगता था तब, महामंत्र नाम जप। लेकिन सुबह से लेकर के पूरी शाम हो गई एक ही जगह बैठे बैठे। घर की छत की सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों पे बैठ कर के माला दे दी, और सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि तब तक जीप चलती नहीं थी, पता भी नहीं था कि घंटे भर में 16 माला हो जाती है, पूरा दिन लगा। और पूरे दिन बैठ कर के उस 16 माला को पूरा किया। और मुझे लगता है कि आज उसी गुरु के मंत्र के द्वारा दी गई कान में वो शक्ति है जो आज तक भी काम करती है, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए। गुरु कान में केवल मंत्र नहीं फूंकता है, गुरु अपना जीवन फूंक देता है, अपना जीवन, अपना प्राण, अपनी शक्ति दे देता है। तो इसको साधारण नहीं समझना चाहिए, इसको सस्ता नहीं समझना चाहिए। गुरु से नहीं छुपाओ, गुरु से कोई लालच भी मत रखो। अरे दुनिया में इतने सारे रिश्ते हैं, वहाँ स्वार्थ तो है ही है, पर गुरु के रिश्ते में काहे का स्वार्थ, भगवान के रिश्ते में क्यों स्वार्थ? गुरु से क्या लेना आपको? एक चीज लो, हमारे हृदय में भगत प्राप्ति की लालसा जगा दो, बस इतना काफी है। इससे आगे गुरु से कुछ क्या मांगे, क्या ले, इससे बचो। लेकिन आजकल सिस्टम बड़ा गड़बड़ चला हुआ है। मैं कई बार कथा में ऐसा उदाहरण देती हूँ, एक बार मेरे साथ जो घटना घटी, एक महाराज जी, एक मैया आई, आके बोली मुझे आपको गुरु बनाना है। तो मैंने कहा कि माता मैं तो गुरु नहीं बनती, क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरी योग्यता है। हाँ मैंने भी किसी समय में शिष्य बनाए थे, पर जब समझदारी आई तो समझ आ गया कि नहीं, शिष्य बनाना कोई हंसी खेल नहीं है, तो विश्राम कर दिया, छोड़ दिया। तो मैंने कहा माता मैं तो दीक्षा नहीं देती, पर इस विश्व में बहुत लोग हैं जो अच्छे गुरु रूप में हैं, आप उनसे जाके दीक्षा ले लो। तो मैया बोली अच्छा नहीं देते, मैं तो बड़ी आशा लेके आई थी, क्या करूं, चलो। वैसे मैंने एक गुरु बनाए तो थे, तो मैंने कहा जब मैया गुरु बना लिए तो फिर काहे को आई है? बोले वो चले नहीं ना ज्यादा दिन। तो मैंने कहा चले नहीं मतलब क्या हो गया?
बोले हमने गुरु बनाए और 6 महीना बाद ही वो भगवत धाम पधार गए। तो मैंने कहा मैया तो क्या हो गया, गुरु के जाने से कहीं गुरु के शरीर के जाने से कहीं गुरु जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप मैंने समझाया तो बोली नहीं नहीं ये आप जो भी बोल रही हो ठीक है, पर मेरा मन नहीं माना, मैंने दूसरे बनाए और दूसरे बनाए पर भगवान को पता नहीं क्या ही मंजूर था, पहले वाले कम से कम 6 महीना तो चले थे, ये तो 4 भी नहीं चले, ये 4 में। पर मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने तीसरे बनाए पर पता नहीं, मैंने 5 गुरु बदल डाले, आज तक कोई गुरु चला नहीं, कोई टिका नहीं। अब छठवा मेरा मन आपके प्रति जागा है, अब समझ रहे हो ना, खतरा सर पे मंडरा रहा है। किसके? अम्मा के नहीं, मेरे। अम्मा तो जैसी पहले वाले में थी वैसी आज भी है, 5 के बाद भी सुरक्षित, एक बाल भी ना उखड़ा। सो जो बिगड़ा सो गुरुओं का ही बिगड़ा। मैया 5 को तो तू ऊपर पहुंचा चुकी है, छठवा नंबर मेरा लगाएगी। पर अब आप विचित्रता देखो लोगों की, अब आप विचित्रता ये देखिए कि व्यक्ति गुरु को कितना सस्ता मान लेता, कितना हल्का मान लेता। आज ये बदल दिया, परसों बदल दिया, अब ये अच्छा नहीं लग रहा, अब इसको, अब इसको। गुरु ऐसा नहीं होता, गुरु हंसी खेल नहीं, गुरु जीवन दाता है। भगवान और गुरु दो से कभी कुछ नहीं छुपाना।